कल भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता नवीन कुमार ने एक ट्वीट किया और जिसका समर्थन किया एक सांसद प्रवेश वर्मा ने कि माननीय सुंदरलाल बहुगुणा जी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त पर्यावरणवादी जिनको विश्व में कई सारे पुरस्कार मिले हैं, भारत का सबसे भारत रत्न से पहले वाला पद्म विभूषण उनको मिल चुका है, उसके बाद भी उन सज्जन को भारत रत्न देने की जब मांग आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने की थी तो उसकी भर्त्सना करते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये कोई भारत रत्न कोई रेवड़ी नहीं है जो कि किसी ऐरे गहरे को बांटा जाए। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, उसके एवज में ये न केवल माननीय बहुगुणा जी का अपमान है, पूरे उत्तराखंड का अपमान है, पूरे भारत का अपमान है, पूरे विश्व के सभी पर्यावरणवादियों का अपमान है। जैसे ही कल नवीन कुमार जी ने बयान दिया कि रेवड़ी के पैकेट नहीं है भारत रत्न, तो उसके विरोध में हमारी आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से अपना इसका विरोध करती है। और हम बता दें सुंदरलाल बहुगुणा जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, उन्हें पद्मश्री जमनालाल बजाज पुरस्कार और रुड़की इंस्टीट्यूट के डॉक्टर की उपाधि दे रखी है। अगर वो उपाधियाँ गलत हैं तो उनका बोलना सही है, ये सारी भारत सरकार द्वारा दी गई उपाधियाँ हैं और हम इसका घोर विरोध करते हैं। साथ में उस ट्वीट को साहिब सिंह वर्मा जो सांसद हैं जिनके पिता साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री होते थे उन प्रवेश वर्मा जी ने वो बयान दिया है, बहुत दुख का है। और हम समझते हैं कि भाजपा के अंदर अहंकार घमंड का एक जो अंत होता है वो आ चुका है। इस विरोध में जितना उत्तराखंड प्रकोष्ठ आम आदमी दिल्ली पार्टी है, हम उत्तराखंड का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी उत्तराखंड का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी।